वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सबकी प्रिपरेशन काफी ज्यादा अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी की, जो कि यहाँ पे इंडियन आर्मी की तरफ से निकली है। गाइस, इंडियन आर्मी की तरफ से यहाँ पे कुक, रेंजर, चौकीदार, सफाई वाला, इन सभी की पोस्ट के ऊपर रिक्रूटमेंट रिलीज किया गया है। तो चलिए फटाफट से एक बार इसकी कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पे जान लेते हैं। गाइस, ये जो वैकेंसी रिलीज की गई है, ये ग्रेनाइडियर्स आरसी जबलपुर, यानी कि रेजिमेंटल सेंटर जबलपुर, मध्य प्रदेश की तरफ से रिलीज की गई है। सबसे पहले बात करेंगे कुक की, तो कुक की यहाँ पे गाइस 9 पोस्ट है। लेवल 2 के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी बनेगी 19,900 आपकी सैलरी यहाँ पे रहेगी। टेलर की बात करेंगे तो यहाँ पे एक एक ही वैकेंसी है गाइस। यहाँ पे बार्बर की भी एक वैकेंसी है, रेंज चौकीदार की भी एक वैकेंसी है, और तीनों लेवल 1 की पोस्ट है। सैलरी यहाँ पे 18,000 है आपकी। सफाई वाला की 2 पोस्ट है, और गाइस यहाँ पे आपकी लेवल 1 के अकॉर्डिंग आपकी यहाँ पे सैलरी बनेगी 18,000। अब बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो कुक के लिए यहाँ पे सबसे पहले तो आपने 10th पास किया हो, और उसके साथ ही आपको यहाँ पे इंडियन कुकिंग की नॉलेज होनी चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। टेलर की बात करेंगे तो यहाँ पे ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका, पास एज ए टेलर, और साथ ही आपने 10th पास की हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बार्बर की बात करेंगे तो यहाँ पे आपने 10th पास की हो, या फिर उसके इक्विवेलेंट आपने कोई भी अदर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो आपकी, साथ ही आपको यहाँ पे बार्बर ट्रेड के अंदर प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल की बात करेंगे गाइस, डिजायरेबल इसेंशियल नहीं होती है, यानी कि अगर आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो फिर आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाएगी पहले। रेंज चौकीदार की बात करेंगे तो सेम है, आपने यहाँ पे 10th पास किया हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल की बात करेंगे तो अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है यहाँ पे, तो फिर आपको यहाँ पे पहले प्रेफरेंस दी जाएगी। सेम गाइस, सफाई वाला के लिए भी सेम ही है, यहाँ पे आपने 10th पास किया हो, और डिजायरेबल ये है कि अगर आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाएगी। आगे देख लेते हैं एज लिमिट की बात करेंगे गाइस। तो UR कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 18 से 25 ईयर्स एज लिमिट है। OBC कैंडिडेट्स के लिए भी 18 से 28 ईयर्स है यहाँ पे। SC ST कैंडिडेट्स के लिए 18 से 30 ईयर्स है, और बाकी यहाँ पे कैंडिडेट्स का भी गिवन है, आप लोग इसे चेक कर सकते हैं। अब बात करेंगे अप्लाई कैसे करेंगे, तो आप लोग इसके लिए ऑफलाइन अप्लाई करेंगे गाइस। और कब तक अप्लाई कर सकते हैं, तो आप लोग यहाँ पे 1 मई तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं गाइस। 1 मई तक आप इसके लिए ऑफलाइन मोड से अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे, तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है एड्रेस, इस एड्रेस पे आप लोग अपना पोस्ट करेंगे, जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फिल करके। आपका एप्लीकेशन फॉर्म कुछ इस तरीके का है, आप इसको फिल करके यहाँ पे आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के मिल जाएगा। अब वहां से डाउनलोड कर लेना, और उसके बाद इसको फिल करके आप लोग यहाँ पे इनको भेज देंगे, इस एड्रेस पे भेजना है गाइस। और ध्यान देने वाली बात यह है कि 1 मई तक, 1 मई से पहले ही आपका ये जो फॉर्म है उन तक पहुंच जाना चाहिए, तभी आपका जो फॉर्म है उसे एक्सेप्ट किया जाएगा। साथ ही दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप अपनी प्रिपरेशन अनअकैडमी प्लस के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप लोग PMYT कोड का यूज कर सकते हैं। गाइस, PMYT कोड जितनी भी कैटेगरीज अनअकैडमी आपके ऊपर, उन सभी के लिए वैलिड है, वेदर इट इज UPSC, SSC, बैंक, रेलवे, CDSF, CAT, CAPF, स्टेट PSC, UGC नेट, IIT जेई नीट। तो अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप अपनी प्रिपरेशन अनअकैडमी प्लस के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए PMYT कोड का यूज कर सकते हैं। चलिए गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।